तो ये थोड़ा खावा के टेस्ट करता हूँ। देखिए देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। दीज आर ग्रेड वन। हे गाइस, दिस इज़ मनीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये मुन्नार में मेरा थर्ड डे है और बहुत ही ब्यूटीफुल इस मॉर्निंग की स्टार्ट हुई है। आज मैं मुन्नार में कोची डायरेक्शन को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। इस कोची डायरेक्शन के एक्सप्लोरेशन में मैं बहुत सारे इधर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पड़ती हैं और कई सारे वाटरफॉल भी हैं, बट एक्चुअली वाटरफॉल एक्सप्लोर करके कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज़ अभी रेनी सीज़न नहीं है, मई ही चल रहा है तो उनमें पानी नहीं है। तो यहाँ पर एनमोडी पीक पड़ती है जो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, और एराविकुलम जो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर भी मैं जाऊँगा। बट अभी संडे का दिन है, मॉर्निंग होने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं अभी थोड़ा आगे आ गया हूँ। तो यहीं पर एक ग्रीन वैली व्यू पॉइंट है, वहीं पर रुक गया हूँ मैं सबसे पहले। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर जो टी गार्डन के स्टेट्स हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं। वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है, फॉगी है तो अच्छी स्टार्ट हो गई है। बाकी आज मैंने अर्ली स्टार्ट इसलिए नहीं किया बिकॉज़ मुझे आज शाम को बैंगलोर भी निकलना है, तो अगर मैं बहुत अर्ली स्टार्ट करता तो मैं क्राउड को तो अवॉइड कर सकता था, बट मेरा डे भी बहुत जल्दी एंड हो जाता। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको मैं कुछ शॉट्स यहाँ पर ग्रीन वैली जो व्यू पॉइंट है वहाँ की दिखाता हूँ। और आप लोग ये ऊपर से देखिए, ये मुन्नार से रोड आ रही है और कोची की डायरेक्शन में यहाँ पे जा रही है। सो बहुत सारे लोग साइट सीइंग करते हुए यहीं से कोची की तरफ भी निकल जाते हैं। मुन्नार में जो टी स्टेट्स थे वो लेट 19th सेंचुरी में लगाए गए थे। उस समय जो ब्रिटिश रूल था उनके अंडर में सारे टी स्टेट्स थे। पहले मुन्नार हंटर एंड गैदरर्स का प्लेस हुआ करता था। यहाँ पर कोई खास सिविलाइजेशन नहीं थी, बट ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर सर्वे किया और पाया कि यहाँ पर टी प्लांटेशन के लिए बेस्ट जगह है। जब उन लोगों ने यहाँ पर टी प्लांटेशन वगैरह सब लगा दिया, बाकी यूरोप की और कंपनीज़ ने भी लगाया था, उसके बाद क्या हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो यहाँ पर फिर कन्नन देवन करके कंपनी थी, वो मोस्टली यहाँ के जो टी स्टेट्स थी उनको कवर करती थी। पर उसके बाद फिर टाटास ने फिर कन्नन देवन से काफ़ी एरिया ले लिया और यहाँ पे इस समय कन्नन देवन, लॉकहार्ट और टाटा के बहुत सारे टी स्टेट्स हैं। सो यहाँ ये तो टाटा का नहीं है, ये कोई तालरियार स्टेट करके किसी और ग्रुप का है। और कल मैं जो लॉकहार्ट में गया था वो संजीव गोयनका ग्रुप का जो है वो टी स्टेट और फैक्ट्री उनकी थी। संजीव गोयनका ग्रुप का जो लखनऊ सुपर जायंट टीम है वो उन्हीं ग्रुप की ही है। तो ऐसे करके ये टी स्टेट्स अलग अलग पार्ट्स में हैं, बट मोस्टली टी स्टेट्स ही हैं मुन्नार में। इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह भी पैदा की जाती हैं, बट वो थोड़ा आउट ऑफ मुन्नार की जाती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट मुन्नार का इन्हीं टी स्टेट से ही घिरा हुआ है। अब हल्की हल्की यहाँ पर रेन स्टार्ट हो गई है और देखिए ऊपर यहाँ पर फॉक्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत फॉगी वेदर हो गया है, ठंडा है, थोड़ा सा रेन हो रही है। चलिए तो अब मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पर स्पेंड करता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। सो दोस्तों, मैं इस समय लक्कम वाटरफॉल में पहुँच चुका हूँ और बहुत तेज़ से रेन हो रही है तो मैंने छाता ले लिया है, और ट्रैफिक भी इस समय बहुत ज़्यादा है तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और चलिए वाटरफॉल को विटनेस करते हैं, थोड़ा वाटर कितना है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। Thank you.
यहाँ पर 50 रुपये का टिकट है एडल्ट और चिल्ड्रेन के लिए बराबर ही है, और कुछ स्टेप आपको ऊपर चढ़ के जाने हैं। वहाँ पे वो पानी से बचने के लिए प्लास्टिक कवर भी सेल कर रहे थे, बट मैंने नहीं लिया बिकॉज मैं इतना नियर नहीं जाऊँगा। आई थिंक लोग वहाँ पर नहा भी रहे हैं, तो वो मैं थोड़ा अवॉइड करने वाला हूँ। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा है फॉल। भाई यहाँ पे तो एकदम क्रेज़ी भीड़ हो रखी है, लोग एकदम जाकर वाटरफॉल में यहीं पे चेंजिंग रूम वगैरह आई थिंक वहाँ पर चेंज करके उस पर नहा भी रहे हैं। आगे चलिए थोड़ा पास तक चलता हूँ, उसके बाद तो वाटर स्टार्ट हो जाता है, तो मैं इतना पास तो नहीं जा पाऊँगा, पर दिखाता हूँ आपको इसके शॉट्स। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। रेन थोड़ी सी कम हो गई है यहाँ पे, बट क्राउड बहुत ही ज़्यादा था यहाँ पे। सो चलिए थोड़े से शांत वाली जगह पे चलते हैं। ये जो नीचे रिवर फ्लो हो रही है इसका नाम एराविकुलम रिवर है, और बाकी ये जो वाटरफॉल है ये सुबह 8:30 बजे से शाम को 4 बजे तक ओपन रहता है, जो इसकी टाइमिंग वगैरह थी। आई थिंक वीकेंड अवॉइड करिए या फिर जल्दी आइए, बिकॉज बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। तो यहीं पे थोड़े ये पाइनएप्पल वगैरह ले लिए हैं, यहाँ पर कैरेट और ये मैंगो वगैरह रॉ बहुत सेल हो रहे थे, तो ये थोड़ा खावा के टेस्ट करता हूँ। देखिए देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। मैं समय पहुँच चुका हूँ कन्नन देवन हिल्स प्लांटेशन की जो फैक्ट्री है, वहाँ पर चाय वगैरह भी सोल्ड आउट होती है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनके जो टी गार्डन्स हैं यहाँ पर, या जो टी प्लांटेशन की और टी प्रोसेसिंग की फैक्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है। इवन टाटास की जो स्टेट्स थे वो इन्हीं से लिए गए थे। तो अभी फैक्ट्री को तो मैं बाहर से दिखा देता हूँ, क्योंकि आई थिंक अंदर जाना अलाउड नहीं है, और यहाँ पर बाहर एक आउटलेट भी है, तो उससे मैं कुछ टी वगैरह परचेस करता हूँ, बट आपको देखने से लग जाएगी कि हाउ ओल्ड इट इज़। सो ये रही कन्नन देवन हिल्स प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड की टी फैक्ट्री, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे है। और अगर मैं रोड क्रॉस करूं तो यहां से इनका ये गेट टाइप का दिखाई पड़ रहा है, जहां पर अभी जाना अलाउड नहीं है, बट रोड के उस पार ये टील सेल्स आउटलेट यहां पर बना हुआ है, और बहुत सारे लोग यहां पर आ रहे हैं, और यहाँ पे मैनेजर रूम्स वगैरह है। व्हाट ए ब्यूटीफुल लोकेशन। तो चलिए अंदर देखते हैं कि कुछ टी वगैरह हमें भी मिल जाए। हेलो मैडम, इनसाइड द विजिट इज़ नॉट अलाउड। ओके ओके, सो ओनली वी कैन एंड दिस टीज आर फ्रॉम फैक्ट्री ओनली। आई वांटेड वन ग्रीन टी एंड वन ब्लैक टी विच इज़ गुड विद मिल्क। हाँ ब्लैक टी टू मेक विद द मिल्क। मे बी माइल्ड। ओके फाइन। एंड दीज आर ग्रेड वन। तो मैंने ग्रीन टी और एक ब्लैक टी ले ली है। वैसे चाय तो कम ही पीता हूँ, बट मेरे घर में तो बाकी पीते हैं, तो जिसे जैसी अच्छी लगेगी मैं डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता हूँ अपने फ्रेंड्स में, तो मैं भी कभी टेस्ट के लिए थोड़ी बहुत रख लूँगा। बाकी इन्होंने एक ब्यूटीफुल सा एक रिपल टी का एक दिया, आई थिंक रिपल टी इन्हीं का ब्रांड है, कन्नन देवन हिल्स का ही। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आप लोगों को, कल मैंने टी प्लांटेशन की विज़िट की थी, तो अंदर टी पैकिंग वगैरह तक का प्रोसेस दिखाया था, बट मैंने पूछा कि टीज़ तो बहुत फ्लेवर में है, जिंजर टर्मरिक तुलसी, तो उन्होंने बताया कि प्योर टी यहाँ से प्रोसेस हो जाती है, बट उसके बाद बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांड्स होते हैं वो टी परचेस कर लेते हैं, फिर उसमें फ्लेवरिंग ऐड करते हैं उस टी के ऊपर से, कि जिंजर ऐड कर दिया या तुलसी ऐड कर दिया, फिर वो अपनी ब्रांडिंग करके सेल करते हैं, बट दीज फैक्ट्रीज़ आर ओनली फॉर द प्योर टी प्रोसेसिंग। और बाकी चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
like a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need. टिकट लेने के लिए यहाँ पर ये ऐसे कियोस्क वगैरह लगा रखे हैं, तो स्ट्रेट अवे कियोस्क से टिकट यू कैन डायरेक्टली परचेज. एराविकुलम नेशनल पार्क 97 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है और ये नीलगिरी थार का एक बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ नीलगिरी थार बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पर पाए जाते हैं. नीचे पहुँचने के बाद फिर आपको फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है और नीचे गोल्फ़ कार्ड भी मिल जाती है, तो आप वो लोग वो गोल्फ़ कार्ड भी हायर कर सकते हैं. 7500 फुल गोल्फ़ कार्ड का चार्ज है, तो शेयरिंग बेसिस पे रहता है. बाकी वीकेंड में यहाँ पे बहुत रश हो जाता है, तो आप या तो अर्ली मॉर्निंग आइए या फिर वीकडेज में आइए. टिकट इसका 250 रुपीज़ है, आप वहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं. फिर अंदर गवर्नमेंट की बसेज़ आपको यहाँ तक ड्रॉप कर देंगी और फिर या इधर आप गोल्ड कार्ड ले लीजिए या फिर आप खुद पैदल चल कर के जाइए. बाकी ऊपर चलने तक का रास्ता ये है. ये नीचे से लोग काफ़ी तक आ रहे हैं और ऊपर ऊपर तक जाना है ये. तो बस अब मैं सर्च कर रहा हूँ नीलगिरी थार यहाँ पे कहाँ मिलेगी. वैसे मुझे एक नीचे दिख गई थी बट मैं ऊपर और चढ़ रहा हूँ ताकि और मिल सके. एराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं. एक तो नीलगिरी थार जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, इसके अलावा बाइसन, एलिफेंट्स बहुत सारे हैं. बट उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है यहाँ पर पाया जाने वाला फ्लावर नील कुरंजी फ्लावर, जो कि 12 साल में सिर्फ एक बार आता है, तो बहुत ही काफ़ी इंडेंजर्ड है. पहले मुन्नार में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था ये फ्लावर, बट स्लोली स्लोली बहुत ही कम प्लेसेस बचे हैं जहाँ पर अब ये निकलता है. तो ये जो नेशनल पार्क है इसमें हर 12 साल के बाद वो आता है वो फ्लावर. सो नेक्स्ट जो उसकी डेट है वो है 2030, इससे पहले 2018 में आया था वो फ्लावर. सो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, पर्पल कलर का होता है और कुछ टाइम के लिए ही रहता है. तो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि जब भी वो फ्लावर आता है तो आप उसको प्रॉपरली फलने फूलने दीजिए, इसके कंजर्वेशन में हेल्प करिए. और यहाँ की जो माउंटेन्स रेंज है, जो यहाँ का वेदर है, उन्हीं में वो नील कुरंजी फ्लावर या नीलगिरी थार रह सकते हैं. तो इस प्लेस का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अनामुड़ी पीक जो सबसे हाईएस्ट पीक है जो खासकर साउथ इंडिया में, तो वो पीक भी इसी नेशनल पार्क के अंदर ही आती है. बाकी आप लोग यहाँ से व्यू देख लीजिए, इट्स रियली ब्यूटीफुल हियर. जो पीक है जस्ट इसके पीछे अनामुड़ी पीक भी है बट वो यहाँ से विजिबल नहीं है. और बाकी ये रहा यहाँ का लास्ट पॉइंट, इसके बाद जाना यहाँ पे अलाउड नहीं है. तो चलिए अब यहाँ से वापस मैं चलता हूँ और बाकी 2:30-3 बज चुके हैं, तो मैं देखता हूँ अगर और कोई प्लेस अगर है जो मैं आपको दिखा सकूँ, अदरवाइज फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे. सो गाइस, जाते जाते मुझे थार मिल गया. मैं यहाँ आया था कैफेटेरिया में तो थार वहीं पे आ गए, वो जो गोट थे, तो उसका मैंने फुटेज ले लिया. इट वाज रियली ब्यूटीफुल. फाइनली लक देखिए कि थार डायरेक्टली कैफे में ही आ गए.
सो मैं नेशनल पार्क से उतर कर नीचे आ चुका हूँ और आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और आज के साथ ही मुन्नार की मेरी ये 3 डेज़ की सीरीज़ भी यहीं ख़त्म होने जा रही है। मैं बहुत सारी यादों को यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। मुन्नार इज़ ए रियली ब्यूटीफुल प्लेस, ओवरऑल केरला इज़ ए ब्यूटीफुल स्टेट। तो मैं और भी जगहों को और भी सिटीज़ को फ्यूचर में एक्सप्लोर करूँगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।